25 साल पहले भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। दोनों देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए और ये डिक्लेयर कर दिया कि यस हम न्यूक्लियर पावर्स हैं। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स आए कैसे, कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और एज इंडियंस हमें ये कहानी समझनी काफी जरूरी है। बट क्यों? क्योंकि आज पाकिस्तान को चारों ओर से खतरा, अंदर से सिविल वॉर का खतरा, चाइना से डेट का खतरा और तालिबान का भी खतरा। पाकिस्तान एक लौता देश है जो न्यूक्लियर पावर भी है और इतना अनस्टेबल भी। पाकिस्तान के न्यूक्स अगर गलत हाथ में पड़े तो पूरी दुनिया को खतरा है। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे पड़ोसी देश को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, टॉक्सिक कॉम्पिटिशन। भारत और पाकिस्तान दोनों देश सिर्फ नेबर्स नहीं है, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर बात एक रेस में, एक कंपटीशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक फैक्ट। हिस्ट्री ये है कि 1962 में हम चाइना से वॉर हार गए थे। हम प्रिपेयर्ड नहीं थे और हमने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया था। 16 अक्टूबर 1964 को चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और इमीडिएटली 1967 में एक हाइड्रोजन बॉम्ब भी डेटोनेट किया। चाइना को हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते थे, इसीलिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की शुरुआत हुई और 1974 में हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन पोखरण 1 में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। जब ये टेस्ट सक्सेसफुल हुई तब हमारे पीएम इंदिरा गांधी को ये मैसेज पहुंचा, बुद्धा इज स्माइलिंग। लेकिन एक इंसान था जो खुश नहीं था, पाकिस्तान का पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो। उन्होंने तो 1965 में ही कह दिया था, इफ इंडिया बिल्ड्स द बॉम्ब वी विल ईट ग्रास और लीव्स, इवन गो हंग्री, बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ओन। We have no alternative. ये एक लाइन उनके आने वाले 30 सालों की स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता है। देखा जाए तो न्यूक्लियर टेस्ट चाइना को बैलेंस करने के लिए हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और लीडरशिप को किसी भी हाल में न्यूक्लियर पावर बनना था। इस बैकड्रॉप के साथ आते हैं हमारी कहानी के पहले सबसे इम्पोर्टेंट किरदार पर, डॉक्टर AQ खान। ये पाकिस्तान के लिए एक हीरो है लेकिन दुनिया के लिए एक विलन। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया के लिए भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए और इससे ढेर सारे पैसे भी कमाए। चैप्टर 2, AQ खान की कहानी। AQ खान की लाइफ पर एक पूरी मूवी बन सकती है। उनका जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ पार्टीशन के पहले। पार्टीशन भारत और पाकिस्तान के इतिहास का सबसे दर्दनाक चैप्टर था। भारत पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान दोनों देशों से 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और न जाने कितने लापता हो गए। लोगों की फैमिलीज उजड़ गई, घर जल गए और दोनों देशों के लोगों ने एक दूसरे को इसके लिए ब्लेम किया। सच तो यह है कि फॉल्ट ब्रिटिशों का था, लेकिन वो तो भाग गए, छोड़ गए कई घाव। AQ खान ने बचपन में देखा कि जो ट्रेनें भारत से पाकिस्तान जा रही थी उनमें मुसलमानों को मारा जा रहा था। ट्रेन से पाकिस्तान जाते जाते उनके साथ भी एक इंसिडेंस हुआ जिसने उन पर एक लंबी छाप छोड़ी। एक इंडियन पुलिस ऑफिसर ने ट्रेन में उनका सोने का पेन चुरा लिया। फिर उन्हें ऐसा लगने लगा कि सारे हिंदू चोर होते हैं। आगे जाकर वो बर्लिन गए और उन्होंने एक डच लड़की से शादी कर ली। उनकी वाइफ लोकल थी तो उन्हें नेदरलैंड्स में FDO नाम की एक कंपनी में न्यूक्लियर एनर्जी के सीक्रेट काम करने के लिए क्लियरेंस मिल गया। खान FDO के लैब्स में बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के घूमते थे। वो न्यूक्लियर कन्वेंशन और ट्रेड शोज में जाके वेंडर्स से बातचीत करते थे। FDO गॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट टू मेक सेंट्रीफ्यूज्स दैट मेक यूरेनियम फॉर न्यूक्लियर डिवाइसेस। और सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन जर्मन में थे। AQ खान जर्मन फ्लुएंटली बोलते थे, इसीलिए उन्हें ट्रांसलेशन का काम मिला और ट्रांसलेट करते करते उन्होंने ब्लूप्रिंट्स के फोटोज भी ले लिए और टेक्निकल डिटेल्स नोट डाउन कर लिए ताकि इसका इस्तेमाल फ्यूचर में हो सके। 1971 में पाकिस्तान भारत से वॉर हार गया था और ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट होकर बांग्लादेश बन गया था। इस वॉर ने डॉक्टर AQ खान पर एक डीप इम्पैक्ट छोड़ा और उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को एक लेटर लिखा टू एड पाकिस्तान इन बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। जब वो जुल्फिकार अली भुट्टो से मिले तब उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्लान बनाया। AQ खान फिर वापस नेदरलैंड्स चले गए और उन्होंने सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट्स, फोटोज, सप्लायर्स का सारा डेटा पैक कर लिया और वो पाकिस्तान चले आए। ऐसा कहते हैं कि AQ खान को अनराइवल्ड पावर्स मिले थे न्यूक्लियर प्रोग्राम सेटअप करने के लिए। उनके अंडर कहुटा नाम के एक विलेज में खान रिसर्च लेबोरेटरीज शुरू हुआ ताकि वो सेंट्रीफ्यूज की मदद से यूरेनियम एनरिच करे। टू पुट इट सिंपली, न्यूक्लियर बॉम्ब में जो फ्यूल है वो इधर प्लूटोनियम हो सकता है जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर रिएक्टर का वेस्ट है, या फिर एनरिच्ड यूरेनियम हो सकता है। एक सेंट्रीफ्यूज न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए भी और न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए भी फ्यूल बना सकता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक मेकिंग बासुंदी एंड रबड़ी। रॉ मटेरियल सेम है, प्रोसेस सेम है, जस्ट टाइम अलग लगता है। खान को जो कंपोनेंट्स चाहिए थे वो पाकिस्तानी एम्बेसीज ने प्रोक्योर किए और जो कंपोनेंट्स एम्बेसीज प्रोक्योर नहीं कर पाते थे उनके लिए शेल कंपनीज बनाए गए। एंड ऑफ कोर्स दे हैड अ लॉट ऑफ हेल्प। चैप्टर 3,
पाकिस्तान और उनके दोस्त। एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना कोई आसान काम नहीं है और इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को कई दोस्तों की मदद मिली क्योंकि उन देशों के अपने अपने इंटरेस्ट्स थे। चाइना ने पाकिस्तान को एटम बॉम्ब के डिजाइन दिए और 50 केजी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम गिफ्ट किया। एक्यू खान खुद कहते हैं कि यूरेनियम के साथ साथ चाइना ने उन्हें बॉम्ब बनाने के लिए बाकी कंपोनेंट्स भी दिए, लाइक अ डू इट योरसेल्फ किट। आल्सो 1990s में चाइना ने पाकिस्तान के बिहाफ पर एक बॉम्ब भी टेस्ट किया था। एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया एंड लिबिया ने R&D के लिए लगने वाला पैसा दिया। कई लोग मानते हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है कि अगर सऊदी अरेबिया को कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत पड़ेगी वो पाकिस्तान से ले लेंगे। सऊदी अरेबिया ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेगा तो वो भी अपना इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेंगे। अमेरिका जो दुनिया का एक अनऑफिशियल पीस कीपर बना बैठता है, उन्होंने भी पाकिस्तान की प्रोग्रेस को अनदेखा किया। इनफैक्ट उन्होंने 1950s में ही पाकिस्तानी साइंटिस्ट को खुद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ट्रेन किया था। जब पाकिस्तान ये बॉम्ब बना रहा था तब उन्हें फाइनेंशियली एड भी किया था क्योंकि तब USSR और भारत काफी करीब थे और अमेरिका को भारत को काउंटर करने के लिए एक एलाय चाहिए था। डच अथॉरिटीज ने AQ खान और उनकी चोरी के बारे में CIA को भी इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन CIA ने उन्हें इग्नोर किया और डच अथॉरिटीज को AQ खान को अरेस्ट करने से रोक दिया। ये सारी बातें हम आपको WhatsApp यूनिवर्सिटी से नहीं, CIA के declassified डॉक्यूमेंट से बता रहे हैं, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की गवर्नमेंट को पता था कि 1970s और 1980s में पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी PM जनरल जिया उल हक कहते हैं कि पाकिस्तानीज आर स्मार्ट पीपल, क्योंकि वो न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे थे लेकिन ऐसा बता रहे थे कि वो कोई रिसर्च नहीं कर रहे। और इसी दौरान USA से ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक एड भी ले रहे थे और साथ ही साथ भारत को भी अनबैलेंस रख रहे थे क्योंकि वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे थे। जब USSR ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तब पाकिस्तान का अमेरिका ने फायदा लिया, वहां अपने मिलिट्री बेसिस बनाए और सोवियत रशिया पर नजर रखी, लेकिन वॉर खत्म होते ही उन्होंने पाकिस्तान पर ही सैंक्शंस लगाए। ये बात हमें बार बार रिमाइंड करती है कि जैसे ब्रिटिशों ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का फायदा लिया, वैसे ही आज वेस्टर्न देश भी करते आए। हम दो देशों को वॉर से दूर रखने के बजाय वॉर के और नजदीक ला रहे हैं। इसमें उनका फायदा है और हम दोनों देशों का नुकसान। Chapter 4 1998 का साल। May 1998 एक काफी सिग्निफिकेंट मंथ था। 11th एंड 13th मई को भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए एंड 27th एंड 28th मई को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। इन टेस्ट की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। 11th मई को जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कजाकिस्तान में थे, वो वापस आए और उन्होंने अपने फॉरेन सेक्रेटरीज, मिलिट्री पर्सनल और साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने एक डिसीजन लिया कि आगे क्या करना चाहिए। उनके पर्सपेक्टिव से भारत के न्यूक्लियर टेस्ट एक क्लियर प्रोवोकेशन जिसने बैलेंस ऑफ पावर पलट दिया था। पाकिस्तानी पॉपुलेशन ने भी उनके लीडरशिप पर प्रेशर डाला कि यस न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहिए। अब न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ करने चाहिए? पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चगी को चुना क्योंकि वहाँ के माउंटेन्स में हार्ड रॉक था जो ब्लास्ट विदस्टैंड कर सकता था। न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी काफी समय से चल रही थी क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बनाने पड़ते हैं, लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है और ये काम 10-15 दिनों में नहीं हो सकता। अब क्योंकि पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर थी, वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को चगी डायरेक्टली नहीं ले जा सकते थे। उन्होंने पार्ट्स में ले जाकर वहां असेंबल किया और फाइनली उन्होंने 27th मई को अपना न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किया। उनके साइंटिस्ट कहते हैं कि डेटोनेशन के बाद कुछ समय तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बाद धुआं ही धुआं हुआ और चगी की माउंटेन्स गोल्डन हुए। इन गोल्डन माउंटेन्स को देखकर साइंटिस्ट को पता चला कि टेस्ट सक्सेसफुल था। उनके साइंटिस्ट क्या कहते हैं सुनिए। एंड दिस इज अ फीलिंग शेयर्ड बाय ऑल माय कॉलीग्स दैट वी आर कमिंग हियर फॉर अ स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज। देयर इज न्यू होप, कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन द फ्यूचर अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर दिस हिस्टोरिकल टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट व्हिच वाज मेड पॉसिबल बाय पाकिस्तान साइंटिस्ट। चैप्टर 5 न्यूक्लियर वॉर का डेंजर। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद साउथ एशिया दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया था और पूरी दुनिया में डर था कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। वन ऑफ द लाइंस दैट नवाज शरीफ सेड आफ्टर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट स्टक विद मी, भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए हैं हमने उसका भी हिसाब चुका दिया है, लेकिन ये बातें सिर्फ बातें लगती हैं क्योंकि 19 फरवरी 1999 को हमारे PM अटल बिहारी वाजपेयी जी अमृतसर से एक बस लेकर लाहौर पहुंचे दो देशों में दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। ये कदम दो न्यूक्लियर पावर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन किया जिसमें कई पीस क्लॉजेस थे कि वो एक दूसरे के देश में इंटरफियर नहीं करेंगे, डायलॉग्स कंटिन्यू करेंगे ताकि दोनों देशों में पीस हो, एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वेपन यूज ना हो, इस पर भी बात हुई। लेकिन क्या पाकिस्तानी आर्मी पीस के बारे में सिंसियर थी? नहीं। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तानी सोल्जर्स ने LOC के इंडियन साइड पर कारगिल में इम्पोर्टेंट पोजीशंस कैप्चर किए थे जिनसे वो भारत पर अटैक कर सकते थे। सोचिए
अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब असल में एक पीसफुल एक्सपेरिमेंट होता तो कुछ ही समय बाद लाहौर डिक्लेरेशन होने के बाद भी पाकिस्तानी मिलिट्री भारत पर अटैक ना करती तो न्यूक्लियर आर्म्ड देशों में कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़ाती। वो कहते हैं कि भारत की वजह से उन्हें न्यूक्लियर टेस्ट्स करने पड़े, लेकिन हर बार उन्होंने ही पहला वार किया। उनके जनरल जियाउल हक की स्ट्रेटजी थी टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts। पाकिस्तान पंजाब और कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देता, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करता। चैप्टर 6 कंक्लूजन। न्यूक्लियर टेस्ट्स को 25 साल हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। सोचते हैं कि ऐसे दो देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो आज कहाँ है। इसका कंक्लूजन हम देने से अच्छा है हम आपको कुछ सवाल पूछे और इनका कंक्लूजन आप ही अपने मन में ढूंढे। न्यूक्लियर टेस्ट के 25 सालों बाद किस देश में इंस्टेबिलिटी है? किस देश में न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट के हाथ लगने का ज्यादा खतरा है? किस देश की पूरी दुनिया को चिंता है? किस देश के लीडर्स ओपनली कहते हैं कि हमारे एक हाथ में कटोरा है और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स? कौन से देश के लीडर्स इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर कहते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर को उकसाना ठीक नहीं? कौन सा देश है जो एक साइड पे मिलिट्री फंडिंग बढ़ाता है और दूसरे साइड पे इंटरनेशनल एड की राह? कौन से देश के साइंटिस्ट सिर्फ अपने देश के लिए नहीं दूसरे देशों के लिए भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हैं, उनके साथ सीक्रेट्स शेयर करते हैं और नॉर्थ कोरिया जैसे देश को न्यूक्लियर बॉम्ब्स देकर पूरी दुनिया को अनस्टेबल बनाते हैं? इन सवालों के जवाब जब आपके मन में क्लियर होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन से देश ने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल पीस के लिए किया और कौन से देश ने प्रॉफिट किया। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने पाकिस्तान एक्सप्लेन सीरीज के पहले वीडियोस मिस कर दिए हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर एक न्यूक्लियर वॉर होती है तो उसका पूरी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होगा हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।